Hello friends, welcome back to Aliya Gupta. Today we'll study a new topic, Applications of Joules Law of Heating. अब हम सब जानते हैं कि Joules Law of Heating क्या होता है. जब एक कंडक्टर या वायर में से करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होती है. और Applications of Joules Law of Heating क्या होता है, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे Joules Law of Heating हम अप्लाई करते हैं, जहाँ पे अप्लाई होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो है एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अब जैसे कॉइन की दो साइड्स होती हैं, वैसे हर चीज की अगर एडवांटेज होती है तो डिसएडवांटेज भी होती है. तो आइए पहले डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. किसकी डिसएडवांटेजेस, उस हीट एनर्जी की जो प्रोड्यूस हुई है. और वो डिसएडवांटेजेस हैं कि पहली जो यूजफुल एनर्जी होती है ना, वो भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर डिसिपेट हो जाती है. और दूसरा, हाई टेम्परेचर पे ना जो सर्किट होते हैं ना, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज ना ऑल्टर कर जाती हैं, चेंज हो जाती हैं. तो हमने डिसएडवांटेजेस तो देख लिया, नेगेटिविटी हट गई, पॉजिटिविटी भी देख लेते हैं. तो पहला हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल और इलेक्ट्रिक टोस्टर. ऐसे डिवाइसेस में जो इनकी जो वर्किंग होती है, इन जैसे डिवाइसेस की, वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड होती है. तो इनका जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो एलॉय से बना होता है. अब एलॉय से क्यों बनता है, एक तो एलॉय का हाई रेजिस्टिविटी होता है एंड सेकेंडली एट हाई टेम्परेचर they do not burn or oxidize. एक तो alloys का high resistivity होता है और दूसरा high temperature पे alloys burn नहीं करते और oxidize भी नहीं करते. अब पहला हम केस लेते हैं इलेक्ट्रिक आयरन का. आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक आयरन के बैक पे एक हॉट प्लेट लगी होती है. तो क्या वो हॉट प्लेट मेटल्स की बनी होती है, नहीं. अगर वो हॉट प्लेट मेटल्स की बनी होती तो फिर हाई टेम्परेचर पे तो वो नहीं ऑक्सीडाइज कर जाती, वो बनी होती है एलॉयज की. वही दो सेम रीजंस की वजह से, एक तो हाई रेजिस्टिविटी होता है और दूसरा हाई टेम्परेचर पे वो बर्न या ऑक्सीडाइज नहीं करता. तो ये था हमारा पहला केस. अब दूसरा केस लेते हैं, वो होगा इलेक्ट्रिक हीटर का. उसका बहुत बार क्वेश्चन भी आता है हीटर का, और वो क्वेश्चन बार बार आता है कि जो हीटर का हीटिंग एलिमेंट होता है वो क्यों ग्लो करता है, पर उसके आसपास जो कॉपर की कॉर्ड होती है वो क्यों नहीं ग्लो करती. देखिए, हम सब जानते हैं कि जो हीटिंग एलिमेंट है हीटर का वो बना होता है नाइक्रोम का. और हम सब जानते हैं कि नाइक्रोम एक अलॉय होता है निकल क्रोमियम मैंगनीज और आयरन का. अब नाइक्रोम से बना जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका बहुत हाई रेजिस्टिविटी होगा, मतलब वो ज्यादा हीट रेडिएट करेगा. नाइक्रोम का हम सबको पता है हाई रेजिस्टिविटी होता है, तो हीटिंग एलिमेंट का भी हाई रेजिस्टिविटी होगा. कॉपर की रेजिस्टिविटी से अराउंड 60 टाइम्स ज्यादा. तो अब अगर हाई रेजिस्टिविटी है नाइक्रोम का तो उसका हाई रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा जिससे वो रेड ग्लोइंग लगता है. वायर जो कॉपर की बनी कॉर्ड होती है उसमें क्या होता है, कॉपर का लो रेजिस्टिविटी होता है नाइक्रोम के रेजिस्टिविटी से 60 टाइम्स लो. तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करता, लो रेजिस्टिविटी है तो लो रेजिस्टेंस तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा जिससे वो ग्लो नहीं करता. तो हमने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर ऐसे डिवाइसेस की वर्किंग बेस्ड है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे. अब हमारा दूसरा पॉइंट, दूसरा हम केस लेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब का. इलेक्ट्रिक बल्ब की वर्किंग है, ये भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे ही बेस्ड है. अब वो कैसे, आइए देखते हैं. इसके अंदर एक फिलामेंट
फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को हम डिनोट करते हैं W से। अब वो फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 3400 डिग्री सेल्सियस, टू बी एक्यूरेट 3380 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन होता है, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अब कभी कभार आपने नोटिस किया होगा कि जो बल्ब होता है उसमें कोई जगह नहीं होती जिससे एयर उसके अंदर आ सके। ऐसा क्यों होता है? एयर में ऑक्सीजन होती है। अब अगर ऑक्सीजन लैंप बल्ब के अंदर आती है तो जो हॉट टंगस्टन है, कोल्ड टंगस्टन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो हॉट टंगस्टन है वो क्विकली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बर्न या ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए और बल्ब की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम बल्ब के अंदर नाइट्रोजन, आर्गन या उसके मिक्सचर जैसी इनर्ट गैसेस भर देते हैं। अब फ्रेंड्स, जस्ट आपके नॉलेज के लिए, जो बल्ब होता है वो ज्यादा पावर एफिशिएंट नहीं होता। जैसे मैंने अपना टेबल लैंप ऑन किया तो इसमें जो बल्ब है ना, सपोज ये 100 वॉट पावर ले रहा है, तो इसका बहुत कम पार्ट ये रेडिएंट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, बाकी पार्ट तो ये हीट बना के डिसिपेट कर देगा, तो ये ज्यादा पावर एफिशिएंट नहीं होता। पर हम जो ट्यूबलाइट्स यूज करते हैं आजकल घरों में, उनमें कोई फिलामेंट नहीं होता तो पावर एफिशिएंट होती है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब की वर्किंग में हमने देखा कि कैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग उसमें अप्लाई होता है। अब हमारा तीसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो हम सर्किट में लगाते हैं। वो एक शॉर्ट एंड थिन वायर होती है जिसे केस में पैक करके रखते हैं, उसे हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली एक कॉपर वायर है जिसपे टिन की प्लेटिंग हुई हुई है, ठीक है। ये जो है इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन सर्किट की बाकी वायर्स के कंपैरिजन में इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर इसमें से जैसे करंट इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, जैसे शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से करंट अगर इंक्रीज हो जाता है सर्किट में, तो ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे ना तो अप्लायंस में डैमेज आता है और ना ही हमारे सर्किट में डैमेज आता है। वो कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया, वही होता है कि फ्यूज मेल्ट हो गया। आइए क्विक रिव्यू लेते हैं। हमने पहली एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, ऐसे अप्लायंसेस। जो वर्किंग है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड है। सेकेंड एप्लीकेशन होती है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में होती है। इसमें एक फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है, इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जब इसमें करंट फ्लो करता है तो ये वाइट हॉट हो जाता है और हमें रेडिएंट एनर्जी देता है। अब हमारा थर्ड एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये थिन और शॉर्ट वायर होती है जो कॉपर से बनी होती है और उसके ऊपर टिन की प्लेटिंग होती है। इस हम सर्किट्स में एज ए सेफ्टी डिवाइस भी यूज करते हैं। अगर ड्यू टू सम रीजन जैसे शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से सर्किट में करंट ज्यादा हो जाता है तो फिर ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे ना तो हमारा सर्किट डैमेज होता है और ना ही हमारा अप्लायंस डैमेज होता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, आई लव यू, बाय बाय।